हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। ये देखो आज मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ। ये देखो कितनी तेज बारिश हो रही है, कितनी तेज। अगर ये बारिश एक घंटा भी रुक जाती तो मेरे बच्चे घर पे आ जाते अब तक। बस वही अब जैसे दो दिन पहले हुआ था, अब वो बच्चे अब 3-3:30 बजे तक ही आएंगे। अब इतनी तेज बारिश के चक्कर में जाम लगेगा, बच्चों को स्कूल के बाहर लेट छोड़ेंगे। ये देखो कितनी तेज बारिश आ रही है, क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में भी नहीं है चीजें। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। हमारे एक कमरे में दीमक लग गई है और अभी हमने दीमक की दवाई छिड़कने वाला बुलाया है और आप ये देखिए अभी क्या हालत हो रखी है हमारे कमरे की। पूरी अलमारी खाली कर दी है, सब बेड पे सामान तो बहुत ज्यादा गंदी बदबू फैल रखी है पूरे घर में। बाहर बारिश आ रही है, ये देखो ये पूरे यहाँ छेद कर दिया। देखो अभी भी पूरा नया बनवाया था ये, और ये क्या हालत हो गई देखो। चाय बन गई है, ये देखो मेरा क्या हाल हो रहा है। चाय दे रही हूँ, मुझे टेंशन है मैं रात का डिनर कैसे बनाऊंगा। चाय ला मो इधर। ना ना ना, बकरी जो है वो चाय नहीं पीने से। तो फ्रेंड्स आज हमने खाना नहीं बनाया, आपने देख लिया था किस चक्कर में। सिर्फ ये जो रूम में हमारी दीमक लगी थी, इतनी स्मेल हो रखी थी, तो अब सौरभ को बोला है कि ऑर्डर कर दे। आज मैंने खाना नहीं बनाया तो भी ऑर्डर कर रहा है। बता क्या क्या मेन्यू में बता। दाल मखनी, हाँ, बटर पनीर मसाला, हाँ, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, दाल तड़का, पनीर टिक्का, दाल तड़का बटर मसाला। दाल तड़का बता सौरभ। ये बस दाल और पनीर, बस और कुछ ना है। तो एक काम कर, दाल मखनी कर ले और मिक्स वेज में एक दाल मखनी कर दे, एक कढ़ाई पनीर, ठीक है। चलो खाना ऑर्डर कर दिया है, आने वाला है, चलो नीचे। अभी बच्चे पढ़ रहे हैं। फिर कितनी देर में चलोगे? 10 मिनट। बच्चों भूख लगी है? हाँ लगी है। चलो कोई छुट्टी तुम्हारी है। स्टार्टिंग में एक दो दिन रुका रहा था जब मैं हम पिक्चर बैठे थे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैंने कल आपको अपने वीडियो में दिखाया था कि मम्मी वाले रूम में दीमक लग चुकी है। तो ये देखो इधर छेद करवाए थे, यहाँ पर यहाँ पूरी जगह दवाई डल चुकी है, और ये देखो रूम की भी हालत कल मैंने दिखा दी थी। अब हमने अलमारी पूरी साफ कर दी है, बस ये भी सेट कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको व्लॉग इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि हम काम में इतने बिजी थे। अब मेरे को याद आया कि मुझे आपके साथ शेयर करना था, तो अब हम दोनों ने यहाँ काम करना शुरू कर दिया। दुख तो इस बात का है कि हमने अक्टूबर में ही घर का रेनोवेशन करवाया था और अब फिर से मम्मी के कमरे में दीमक लग गई।
अभी तो शुरुआत ही हुई थी तो हमने स्टार्टिंग में ही दवाई डलवा दी। पता नहीं ये दीमक बार बार क्यों आ जाती है, हम तो काफ़ी परेशान हो गए हैं। और मैं अब आपको जो पहले की है रिकॉर्डिंग मेरे पास अक्टूबर की, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आप प्लीज़ ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप ये फ़ोटोज़ देख रहे हैं, ये अक्टूबर की है। ये दीमकों ने ये बुरा हाल कर दिया था मेरी रसोई का। देखो फ्रेंड्स, हमारा पूरा रूम क्लीन हो गया है। हमें पूरे 2-2.5 घंटे लगे इस रूम को साफ़ करने में, मतलब पूरा ये साफ़ करना, ये पूरा बेड, मतलब पूरा सब कुछ, अलमारी भी बाहर ही साफ़ करना, क्योंकि दवाई के जो छींटे हैं ना वो बाहर तक लगे हुए थे। और इसमें भी मतलब आज तो बस पूछो मत, इतना टाइम लग गया सफाई करने में। सुबह हमने ब्रेकफास्ट में बनाया था आलू की पूरी, और अब लंच में बनाया है पूरी और सब्जी। तो फ्रेंड्स, मैं तो पालक भी तोड़ के लिया थी, पालक थोड़ा लिया, अब दाल भी भिगो दी थी मैंने, बट कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। चलो दाल के तो कल मैं चीले भी बना दूँगी ब्रेकफास्ट में। अब लास्ट में डिसाइड हुआ है आलू और पत्ता गोभी, अब मैं आलू पत्ता गोभी बनाऊँगी रात के डिनर के लिए। और मेरा डिले भी होता जा रहा है, 3-4 दिनों से सोच रही हूँ मार्केट जाऊँगी, वो जो पापा के लिए चप्पल ली थी वो बदलवानी है मुझे। तो बस 3-4 दिनों से बारिश होने लग रही है, आज फिर जाने पाए, आज कुछ घर में सफाई फाई में लगती थी, तो कल ही देखती हूँ, कल तो बच्चों की छुट्टी है, बच्चों पर पढ़ने लग रहे हैं, जब भी बच्चे पढ़ने बैठते हैं उनको कुछ ना कुछ नहीं होता है पीने के लिए। तो आज मैंगो भी नहीं है तो मैंगो शेक भी नहीं बन सकता, कोल्ड कॉफ़ी के लिए बना कर रहे हैं, तो अब मैं बना रही हूँ रोटी। मैंगो शेक अभी थोड़ी देर में बना दूंगी, मैंगो नहीं आए घर पे, इतने रूह अफ़ज़ा पी लो, लो नहीं पीना फिर दूसरा कौन पिएगा अब। तो फ्रेंड्स, अब मैं बस अपना काम ख़त्म करके मैं बस अब रूम में आ गई हूँ। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहना। धन्यवाद।